everybody, how are you? I hope you all are fit and fine and doing your studies properly. So welcome into the class 10th and I am your science teacher. तो हम इसमें हम साइंस में चैप्टर 2 पढ़ रहे थे ह्यूमन सिस्टम, जिसमें हम एंडोक्राइन सिस्टम रीड कर रहे थे. ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम में भी बेटा हम लोग हाइपो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ रहे थे, इसमें हाइपोथैलेमस पढ़ चुके थे, अब हमें पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ना है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट गाइस. ठीक है, इट इज़ स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो आपकी स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है. ठीक है, इट इज़ लोकेटेड इन बोन कैविटी कॉल्ड सेटल टर्सिकेंट, इज अटैच्ड टू हाइपोथैलेमस बाय अ स्टाफ. तो ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होती है? एक बोन कैविटी में प्रेजेंट होती है. कहाँ प्रेजेंट होती है? एक बोन कैविटी में प्रेजेंट होती है. उस कैविटी को क्या बोलते हैं? सेलर टर्सिकेंट. ठीक है, सेलर टर्सिकेंट बोलते हैं. ठीक है, विच इज़ अटैच्ड टू द हाइपोथैलेमस बाय अ स्टॉक. वो एक स्टॉक यानी एक ऐसी आप बोल सकते हो कि स्टिक लाइक स्ट्रक्चर जो होती है ना, उससे हाइपोथैलेमस से अटैच होती है. देखो यहाँ डायग्राम में आपको दिया हुआ है, यहाँ पर आपका हाइपोथैलेमस होता है, इसके जस्ट नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है. कहाँ पर? एक कैविटी में. और उस कैविटी को क्या बोलते हैं आप? सेला टर्सिकेंट. क्या बोलते हैं? सेला टर्सिकेंट नाम की एक कैविटी होती है, वहाँ पर प्रेजेंट होती है और हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है एक स्टॉक से. एनाटॉमिकली इट इज़ डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स. ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को एनाटॉमिकली जो है टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. इसका फर्स्ट पार्ट है एडिनो हाइपोफाइसिस और दूसरा पार्ट है न्यूरो हाइपोफाइसिस. कितने पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड के? एडिनो हाइपोफाइसिस और दूसरा है न्यूरो हाइपोफाइसिस. जो आपका एडिनो हाइपोफाइसिस है वो आपका एंटीरियर पार्ट है. कौन सा पार्ट है? एंटीरियर. एंटीरियर का मतलब बताया था आगे वाला. और न्यूरो हाइपोफाइसिस आपका पोस्टीरियर पार्ट है, यानी कि पीछे वाला. अब एडिनो हाइपोफाइसिस के दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है पार्स डिस्टेलिस और एक होता है पार्स इंटरमीडिया. ठीक है, एडिनो हाइपोफाइसिस के दो पार्ट होते हैं, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया. बेटा ये पार्स डिस्टेलिस जो होता है वो एडिनो हाइपोफाइसिस का सामने वाला पार्ट होता है, इसलिए इसे एंटीरियर पिट्यूटरी भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ठीक है, इसे एंटीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं, इसे बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी. मैंने गलत बता दिया, ये आपके एंटीरियर पिट्यूटरी होते हैं. क्या होते हैं? पार्स डिस्टेलिस. ठीक है, और ये पार्स इंटरमीडिया. ठीक है, पार्स डिस्टेलिस कौन कौन से हार्मोन का सिक्रीशन करती है? ग्रोथ हार्मोन का, फिर प्रोलैक्टिन का, एक TSH यानी कि थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन का, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का, फॉलिक स्कल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का. इतने सारे हार्मोन का सिक्रीशन करती है कौन? पार्स डिस्टेलिस या फिर एंटीरियर पिट्यूटरी. ये नाम तो आपको याद करने पड़ेंगे, इसमें क्या समझाऊँ मैं. फिर आती है पार्स इंटरमीडिया. पार्स इंटरमीडिया किस किस का सिक्रीशन करती है? सिक्रीट ओनली मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ये ओनली एक हार्मोन सिक्रीट करती है. कौन सा? MSH. MSH मतलब मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ये हार्मोन हमारी स्किन में मिलता है और हमारे स्किन की कलर ठीक है के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. कौन सा हार्मोन? मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन. कौन सिक्रीट करती है? पार्स इंटरमीडिया और एडिनो हाइपोफाइसिस का पार्ट होती है. फिर आता है आपका न्यूरो हाइपोफाइसिस. न्यूरो हाइपोफाइसिस को आप पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी बोलते हैं. ये क्या रिलीज करती है? स्टोर्स एंड रिलीज ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रोसिन विच आर एक्चुअली इंड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस. ठीक है, ये किसका सिक्रीशन करती है? ये ऑक्सीटोसिन का और वैसोप्रोसिन का सिक्रीशन करती है. ये MSH का और ये इतने सारे हार्मोन्स का, और ये ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रोसिन का सिक्रीशन करती है और उनको स्टोर भी करती है. कौन? न्यूरो हाइपोफाइसिस. लेकिन ये इनका सिक्रीशन कब करती है? जब इनको हाइपोथैलेमस इंड्यूस्ड करता है. जब इनको हाइपोथैलेमस इंड्यूस करता है तब ये ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रोसिन का सिक्रीशन करती है, साथ के साथ उन्हें स्टोर भी करती है. ठीक है, अब देखते हैं. एडिनोफाइसिस इज कॉल्ड रियर फ्रंट पिट्यूटरी एंड न्यूरोफाइसिस इज कॉल्ड बैक पिट्यूटरी. आप जो एडिनोफाइसिस होता है ना बेटा, उसे हम रियर पिट्यूटरी यानी कि फ्रंट पिट्यूटरी बोलते हैं, क्योंकि सामने की साइड प्रेजेंट होता है. और जो आपका न्यूरोफाइसिस होता है बेटा, इसे आप बैक पिट्यूटरी बोलते हैं, क्योंकि ये पीछे की साइड प्रेजेंट होता है. ठीक है, या फिर इसे पोस्ट पिट्यूटरी भी बोलते हैं. ठीक है, दिस इज़ द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी. इस जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उसे आप बॉडी की मास्टर ग्लैंड बोलते हैं. ठीक है, मास्टर क्यों? क्योंकि सभी ग्लैंड को कंट्रोल करती है, तो इसे हम मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी बोलते हैं. विच प्रिपेयर सेवरल हार्मोन, जो बहुत सारे हार्मोन्स को सेक्रेट करती है. अभी हमने देखा ना कितने सारे हार्मोन्स हैं,
ठीक है, एंड सीक्रेट सच एज और कौन कौन से हार्मोन, जैसे सोमेटोट्रोफिन, प्रोलैक्टिन, थायरॉयड, प्रोग्रेसिव हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, वैसोप्रोसिन एंड गोनेडोट्रोपिक एटसेट्रा। तो ये बहुत सारे हार्मोन का सिक्रीशन करती है, इनमें से आपको जितने हार्मोन्स के नाम याद रह सके वो आप कर लेना, ठीक है। द हार्मोन सिक्रीट बाय पिट्यूटरी ग्लैंड इन्फ्लुएंस द सिक्रीशन ऑफ द अदर ग्लैंड्स। क्या होता है, जो हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करती है ना, वो हार्मोन्स क्या करते हैं, जो दूसरी ग्लैंड्स होती है ना बेटा, उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, उन्हें बोलते हैं कि मतलब उन्हें इंड्यूस करते हैं कि अब तुम्हें अपने हार्मोन सिक्रीट करने हैं। तो ये क्या करते हैं, अदर ग्लैंड्स के हार्मोन को सिक्रीट करने के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। और पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन इंड्यूस करता है हार्मोन सिक्रीशन के लिए, हाइपोथैलेमस। पढ़ा था ना कि हाइपोथैलेमस के हार्मोन जो होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन के सिक्रीशन को इंड्यूस्ड करते हैं, हिंस दे आर नोन एज ट्रॉपिक हार्मोन्स। इस वजह से जो पिट्यूटरी इन हार्मोन्स को अपन क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक हार्मोन्स भी बोलते हैं। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज आल्सो कॉल्ड एज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसे आप एंडोक्राइन सिस्टम की मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। अब इट इज़ बिकॉज क्यों बोलते हैं, इट इज़ द हार्मोन दैट कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ मैनी अदर हार्मोन्स ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। क्योंकि जो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स होते हैं ना, वो बाकी ग्लैंड्स के हार्मोन की सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, इस वजह से इसे मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्योंकि इसके हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन, बाकी सभी ग्लैंड के हार्मोन को कंट्रोल करते हैं। इट्स जॉब टू रिसीव मैसेज अबाउट द नीड फॉर अ पर्टिकुलर हार्मोन एंड टू सिक्रीट द हार्मोन दैट कॉज द मैन्युफैक्चर एंड रिलीज ऑफ द हार्मोन, ठीक है। ये क्या, इसकी जॉब क्या होती है कि जैसे इसे मैसेज मिलता है कि अब कोई हार्मोन सिक्रीट करना है, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड एक पर्टिकुलर हार्मोन का सिक्रीशन करती है और वो हार्मोन दूसरे ग्लैंड के पास जाते हैं और उसे इंड्यूस करते हैं हार्मोन का मैन्युफैक्चर करने के लिए, सिक्रीट करने के लिए, ठीक है। तो इसी के हार्मोन जो होते हैं वो दूसरी ग्लैंड के पास जाकर हार्मोन को सिक्रीट करने के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं, तो इस वजह से इसे मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, ये ब्रेन वाले पार्ट में, हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब हम पढ़ते हैं पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड भी यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड के जस्ट पास में ही प्रेजेंट होती है, ठीक है। इट इज़ लोकेटेड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द फोर ब्रेन। हमारा जो फोर ब्रेन होता है उसकी डोर्सल साइड पर प्रेजेंट होती है, डोर्सल यानी कि पीछे वाले पार्ट पर ये प्रेजेंट होती है। इट सिक्रीट्स अ हार्मोन कॉल्ड मेलाटोनिन। ये कौन सा, ये ओनली एक हार्मोन का सिक्रीशन करती है, कौन सा हार्मोन है वो, मेलाटोनिन हार्मोन, ठीक है। ये मेलाटोनिन हार्मोन है, ये हमारे इसकी, ठीक है, फंक्शंस ऑफ द मेलाटोनिन। अब मेलाटोनिन हार्मोन क्या क्या काम करता है, इट रेगुलेट्स द डायूरिनल दैट इज 24-hour रिदम ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये क्या करता है, डायनल को रेगुलेट करता है, यानी हमारी बॉडी जो होता है ना उसमें 24 hours में होने वाले सभी वर्कों को कंट्रोल करता है, ठीक है। हमारे सारे 24 रिदम वर्क को कंट्रोल करता है, जैसे कौन कौन से वर्क, मेंटेनेंस ऑफ द स्लिप वेक, ठीक है, हमें कब जगना है, कब सोना है, उसे मेंटेन करता है, ठीक है। और बॉडी टेम्परेचर, हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, तो हमारे जो 24-hour रिदम ऑफ द बॉडी, लाइक सोना, जगना, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना, ये सब काम करने कौन करता है, मेलाटोनिन। इट इन्फ्लुएंस मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये क्या करता है, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म, या हमारे मेटाबॉलिज्म यानी हमारे डाइजेशन प्रोसेसेस जो होती है, हमारी BMR रेट जो होती है उसे कंट्रोल करने का काम भी कौन करता है, मेलाटोनिन हार्मोन। पिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन मतलब हमारी बॉडी के कलर को कंट्रोल करता है ये, ठीक है। अगर हमारी बॉडी पर पिगमेंटेशन ज़्यादा है, यानी मेलाटोनिन का सिक्रीशन ज़्यादा है, तो मेलानिन पिगमेंट जो होता है ना वो हमारी बॉडी पर ज़्यादा कलेक्ट होगा और हमारा कलर डार्क होगा, ठीक है। और अगर हमारे मेलाटोनिन का सिक्रीशन कम है तो जो मेलानिन पिगमेंट है ना वो हमारी बॉडी पर कम होगा, तो हमारी बॉडी का कलर लाइट होगा, ठीक है। तो मेलानिन पिगमेंट क्या करता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अगर हमारी बॉडी पर मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा है, यानी कि हमारा कलर थोड़ा डार्क है, तो कैंसर वगैरह होने की पॉसिबिलिटीज़ कम होती है, हमें स्किन कैंसर वगैरह नहीं होता, ठीक है। अब हम देखते हैं, और मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। इट इन्फ्लुएंस अवर डिफेंस कैपेबिलिटी, ये हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी को भी कंट्रोल करता है, कौन, मेलाटोनिन हार्मोन, ठीक है। तो कौन सिक्रीट करता है मेलाटोनिन हार्मोन, पीनियल ग्लैंड सिक्रीट करती है, और ठीक है ये क्या क्या काम करता है वो तो हम देख ही चुके, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं थायरॉयड ग्लैंड। थायरॉयड ग्लैंड बेटा कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारी नेक में,
कहाँ, ये देखो ये हमारी थायराइड ग्लैंड है, हमारे नेक एरिया में ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। इट इज़ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। अभी हमने देखा स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, और जो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है वो कौन सी है, वो है आपकी थायराइड ग्लैंड, लोकेटेड इन द नेक इन फ्रंट ऑफ द विंड पाइप। ये कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारी नेक में प्रेजेंट होती है, फ्रंट ऑफ विंड पाइप, हमारी जो विंड पाइप होती है जिसे हम ट्रेकिया भी बोलते हैं, उसके बिल्कुल सामने ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। द थायरॉयड ग्लैंड प्रोड्यूस द हार्मोन कॉल्ड थायरोक्सिन। थायरॉयड ग्लैंड कौन से हार्मोन का सिक्रीशन करती है, थायरोक्सिन हार्मोन का। एक और बात बेटा, कौन सी ग्लैंड कौन से हार्मोन का सिक्रीशन करती है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसमें सबको अच्छे से याद कर लेना कि थायरॉयड ग्लैंड थायरोक्सिन का सिक्रीशन करती है, पीनियल ग्लैंड जो है आपके मेलेटोनिन का सिक्रीशन करती है, हाइपोथैलेमस के बारे में भी अपन ने पढ़ा था, एक तो रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन का सिक्रीशन करती है, और पिट्यूटरी ग्लैंड, तो बहुत सारे हार्मोन्स हैं, तो उनमें से कुछ आप लर्न कर लेना, ठीक है। आयोडीन इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन। इस थायरोक्सिन हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए हमें आयोडीन की नीड होती है। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन ब्लड कैन लीड टू द डिजीज, ठीक है। अगर हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है तो हमें एक डिजीज़ हो जाती है, उस डिजीज़ को अपन बोलते हैं गॉइटर डिजीज़, ठीक है। आयोडीन की ज़रूरत होती है इसके प्रोडक्शन के लिए, लेकिन हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में आयोडीन की कमी हो गई तो थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन नहीं होगा। अब जब इसका जनरेशन नहीं होगा, इसका प्रोडक्शन नहीं होगा, तो हमारा जो नेक होता है ना फुलकर बड़ा हो जाता है, यानी कि हमें गॉइटर डिजीज़ हो जाती है। इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इस डिजीज़ के, एनलार्जमेंट ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड। हमारी थायरॉयड ग्लैंड जो होती है ना आयोडीन के सिक्रीशन के लिए थोड़ी मोटी हो जाती है, फूल जाती है, इस वजह से हमारे गले में स्वेलिंग सी दिखाई देती है, ठीक है। अब देखते हैं थायरोक्सिन हार्मोन के काम क्या क्या हैं। दे हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ द बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये हमारी BMR को कंट्रोल करता है, हम बोलते हैं ना बॉडी मास इंडेक्स रेशियो, ठीक है। हमारा जो मास इंडेक्स रेशियो होता है, हमारा जो बेसा मेटाबॉलिक रेट होती है उसे कंट्रोल करता है, डाइजेशन को कंट्रोल करता है, किसी की डाइजेशनल प्रोसेस ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। तो आपने एक बात देखी होगी कि हम ये बोलते हैं कि इस बंदे या बंदे को थायरॉयड हो गया, ठीक है, तो किसी को हाइपोथायरॉयड होता है, किसी को हाइपर। जिनको हाइपर होता है उनका वेट कंटिन्यूसली कम होता है, और जिनको हाइपो होता है उनका वेट कंटिन्यूसली जो होता है बढ़ता है। तो जिनका कम होता है ना बेटा, उनका BMR बहुत ज़्यादा होता है, BMR बहुत ज़्यादा होता है, तो कंटिन्यूसली वेट लॉस करते जाते हैं। और जिनका थायरॉयड कम होता है उनका वेट कंटिन्यूसली बढ़ता है, तो जिनका थायरॉयड कम होता है ना उनका BMR भी कम होता है, BMR कम होता है तो उनका वेट कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। दे सपोर्टेड RBC फॉर्मेशन। ये क्या करते हैं, RBC के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं थायरोक्सिन हार्मोन। दे कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट्स। वही बात है, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। दे हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। हमारी बॉडी में जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, या हमारी बॉडी में जो वाटर प्रेजेंट है, या फिर सोडियम पोटेशियम कैल्शियम क्लोरीन, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट हैं, उनको मेंटेन करने का काम करता है हमारा थायरोक्सिन हार्मोन। और नाम से पता चल रहा है थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन कौन करता है, दैट इज़ द थायरॉयड ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। बेटा ये पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होती है ना थायरॉयड ग्लैंड के जस्ट पास में यहाँ पर ही प्रेजेंट होती है। देखो थायरॉयड ग्लैंड यहाँ और पैराथायरॉयड ग्लैंड बिल्कुल इसके नीचे ही प्रेजेंट होती है, ठीक है। दीज आर 4 इन नंबर, ये नंबर में 4 होती हैं, ठीक है। 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड। अभी मैंने जैसे आपको स्ट्रक्चर में दिखाया कि थायरॉयड ग्लैंड के जस्ट पास में प्रेजेंट होती है, तो कहाँ प्रेजेंट होती है ये पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है ना, वो आपके थायरॉयड ग्लैंड के पोस्टीरियर पार्ट में, यानी पीछे वाले पार्ट में प्रेजेंट होती है। 1 pair each इन द 2 lobes ऑफ थायरॉयड ग्लैंड, ठीक है। और एक थायरॉयड ग्लैंड के 2 lobes हैं, ठीक है, तो इसके पोस्टीरियर पार्ट पर ऐसे दो इधर और दो इधर प्रेजेंट होती हैं ये, ठीक है। इट रेगुलेट्स द लेवल ऑफ द कैल्शियम आयंस इन द ब्लड। पैराथायरॉयड ग्लैंड का मेन वर्क क्या होता है कि पैराथायरोक्सिन हार्मोन सिक्रीट करती है। कौन सा, पैराथायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है। और वो पैराथायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है, हमारी बॉडी में कैल्शियम आयंस को रेगुलेट करता है, ठीक है। और आपको पता है कैल्शियम आयन क्यों जरूरी होता है, मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए जरूरी होता है, हमारी मसल्स के वर्क के लिए। तो द डेफिशिएंसी ऑफ द पैराथार्मोन लीड्स टू द डेफिशिएंसी ऑफ कॉल्टिटैनी। अब जैसे ही पैराथार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, तो हमारा मसल्स अच्छे से वर्क नहीं कर पाती और हमें एक डिजीज़ हो जाती है टिटैनी, जिसे हम टिटनस भी बोलते हैं, ठीक है। टिटनस डिजीज में क्या होता है, हमारी मसल सही से काम नहीं करती, दर्द होने लगता है, अकड़न सी हो जाती है,
ठीक है, तो इसी वजह से होता है कि हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है। ठीक है, टिटेनी इज मैनिफेस्टेड एज अ स्ट्रॉन्ग स्पैम्स ऑफ द मसल। अब टिटेनी से क्या होता है कि हमारी जो मसल्स होती है ना, इन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, इनमें बहुत पेन होता है और हमारी बॉडी हम मूव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं पेनक्रियाज। पेनक्रियाज भी एक ग्लैंड होती है। ठीक है, पेनक्रियाज इज लोकेटेड नियर द लीवर। पेनक्रियाज जो होती है बेटा आपके लीवर के जस्ट पास में मिलती है। मैं आपको बताती भी हूँ डायग्राम में कि देखो आपका लीवर यहाँ प्रेजेंट होता है, यहाँ पर देखो आपके पेनक्रियाज ग्लैंड प्रेजेंट है। हमारे स्टोमक के नीचे बिलो द स्टोमक और लीवर के नियर में ये प्रेजेंट होती है। द हार्मोन सिक्रेट बाय द पेनक्रियाज आर इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। पेनक्रियाज दो हार्मोन का सिक्रीशंस करती है, एक तो होता है इंसुलिन हार्मोन, दूसरा होता है ग्लूकागोन हार्मोन। दे आर सिक्रेटेड बाय द क्लस्टर ऑफ सेल्स। पेनक्रियाज जो होता है ना, वहाँ पर छोटी छोटी सेल्स का एक क्लस्टर मिलता है, ग्रुप मिलता है। ठीक है, उन सेल्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, आइसलेट्स ऑफ लैगरहंस। ठीक है, पेनक्रियाज में छोटी छोटी सेल्स का क्लस्टर यानी कि ग्रुप मिलता है, उस ग्रुप को अपन आइसलेट्स ऑफ लैगरहंस बोलते हैं। और ये किस में मिलता है, पेनक्रियाज में। और ये क्या काम करता है, इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन के सिक्रीशन का काम करता है। रोल ऑफ द पेनक्रियाटिक हार्मोन। अब ये पेनक्रियाटिक हार्मोन यानी कि इंसुलिन और ग्लूकागोन, तो इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन क्या वर्क करते हैं, इट मेंटेन्स ब्लड शुगर लेवल ऑफ द बॉडी। बॉडी हमारी जो शुगर लेवल होता है उसको मेंटेन करने का काम करते हैं कौन, पेनक्रियाटिक हार्मोन। ठीक है, इंसुलिन लोवर्स द ब्लड शुगर लेवल। इंसुलिन तो क्या करता है, ब्लड शुगर के लेवल को कम करता है। एंड ग्लूकागोन रेज द ब्लड शुगर लेवल। और ग्लूकागोन क्या करता है, ब्लड शुगर के लेवल को बढ़ाता है। तो जब एक कम करता है और एक बढ़ाता है तो ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहता है। ठीक है, द इंक्रीज सेक्शन ऑफ द ग्लूकागोन लीड्स टू द डायबिटीज मेलाइटस। लेकिन अगर क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है हमारी बॉडी में, ग्लूकागोन हार्मोन बढ़ जाता है। ये ग्लूकोज नहीं है, ग्लूकागोन है, ये यहाँ पर ग्लूकागोन लिखा है। ठीक है, अगर हमारी बॉडी में ग्लूकागोन का सिक्रीशन बढ़ जाता है तो ग्लूकागोन क्या काम करता है, ब्लड शुगर को बढ़ाने का। तो हमारी बॉडी में हमारी शुगर ज़्यादा हो जाती है और हमें कौन सी डिजीज़ हो जाती है, डायबिटीज मेलाइटस। आप सबको पता है कि जब भी शुगर ज़्यादा हो जाती है तो डायबिटीज़ हो जाती है। तो कब होती है, जब हमारी बॉडी में ग्लूकागोन हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाता है। डायबिटीज मेलाइटस इज डिफाइंड एज द एबनॉर्मल हाई ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। डायबिटीज मेलाइटस का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, विच रिजल्ट इज रिलीज ऑफ द शुगर इन यूरिन एंड फॉर्मेशन ऑफ द टॉक्सिक कीटोन बॉडी। अब हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा शुगर लेवल बढ़ जाता है तो शुगर क्या होती है, यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर आने लगती है और टॉक्सिक कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन कर लेती है। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे ही ग्लूकागोन बढ़ा हमें कौन सी डिजीज़ हो गई, डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत बढ़ जाता है यानी शुगर का लेवल बहुत बढ़ जाता है। तो अभी शुगर जो एक्स्ट्रा बढ़ जाती है वो यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकलने लगती है और ये यूरिन में टॉक्सिक कीटो बॉडीज का सिक्रीशन कर देती है। द ट्रीटमेंट इस इंसुलिन थेरेपी। तो डायबिटीज़ मेलाइटस का ट्रीटमेंट क्या होता है बेटा, इंसुलिन थेरेपी। आपने एक चीज़ देखी होगी, जिनको डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है उन्हें इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, तो वो जो इंजेक्शन जो डायबिटिक पेशेंट को दिए जाते हैं वो इंसुलिन के इंजेक्शन ही होते हैं। और इंसुलिन के इंजेक्शन की खास बात ये होती है बेटा कि क्या होता है, आपने देखा होगा कि कुछ इंजेक्शन जो होते हैं वो जनरली हम इंजेक्शन आपके नर्व ढूंढकर उसमें देते हैं, लेकिन इंसुलिन के इंजेक्शन को देने के लिए आपको कोई नर्व ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, उसे आप बॉडी में डायरेक्टली इंजेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि इसे आपको ब्लड में ही इंजेक्ट करना होता है, किसी नर्व में इंजेक्ट करने की नीड नहीं होती है। उसके बाद हम देखते हैं एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द ईच किडनी। हमारी जो किडनीज होती है कहाँ प्रेजेंट होती है, यहाँ पर। तो दोनों किडनी के टॉप पर आपकी कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द एड्रिनल ग्लैंड इज एड्रिनलिन। एड्रिनल ग्लैंड नाम से पता चल रहा है कौन सा हार्मोन सिक्रेट करेगी, एड्रिनलिन हार्मोन। अभी एड्रिनलिन हार्मोन क्या करता है, एड्रिनलिन हार्मोन हेल्प इन द डिफेंस ऑफ द बॉडी इन एमरजेंसी सिचुएशन। ये एड्रिनलिन हार्मोन जो होता है एमरजेंसी सिचुएशन जब भी आती है, जैसे हमने कोई कुत्ता देख लिया, हमने देख लिया हम सामने से कोई कार आती है और हमें टक्कर मारने वाली है, तो ऐसी कोई एमरजेंसी सिचुएशन होती है ना, तो हमारी बॉडी में डिफेंस के लिए कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है, एड्रिनलिन हार्मोन। ठीक है, तो वो हमें हेल्प करता है कि भाई कार आ गई हमें हटना चाहिए, ये सोचने में हेल्प करता है एड्रिनलिन। ठीक है, इट आल्सो मेंटेन्स हिज करेक्ट सॉल्ट बैलेंस इन द ब्लड। इसके अलावा हमारी बॉडी में जो सॉल्ट का बैलेंस है, लाइक सोडियम पोटेशियम क्लोराइड जितने भी सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, उसको बैलेंस करने का काम भी करता है कौन, एड्रिनलिन हार्मोन। ठीक है, फिर आता है थायमस ग्लैंड।
आवर बॉडी आल्सो पजेस अ ग्लैंड, हमारी बॉडी में एक ग्लैंड और प्रेजेंट होती है विच स्टार्ट फंक्शनिंग इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज. ठीक है, जो हम जब हम मदर के फीटस, जब हम फीटस फॉर्म में होते हैं यानी जब हम एम्ब्रियो फॉर्म में होते हैं ना, तभी हमारी ये थाइमस ग्लैंड जो होती है ना है वो वर्क करना शुरू कर देती है. ठीक है, बिकम्स एक्टिव, ठीक है, बिकम्स एक्टिव ड्यूरिंग द चाइल्डहुड एंड अंडर गोज रीजनरेशन एंड ग्रेजुअली स्टॉप्स फंक्शन आफ्टर द एडोलेसेंस. इट इज नॉन एज थाइमस ग्लैंड. ठीक है, अब आपको एक और चीज़ में बहुत इंटरेस्टिंग बताती हूँ कि जो थाइमस ग्लैंड हार्मोन का सिक्रेशन करती है, पैराथार्मोन का, कौन सा, पैराथार्म. ठीक है, थायरोक्सिन इसका हार्मोन का नाम इसने नहीं दिया, मुझे भी अभी ध्यान नहीं आ रहा है. ठीक है, जब ध्यान आएगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगी. तो ये थाइमस ग्लैंड होती है ना बेटा, ये हमारी एम्ब्रियोनिक कंडीशन में डेवलप हो जाती है और अपना फंक्शन करना स्टार्ट कर देती है. लेकिन तब ये जो हार्मोन बनाती है ना वो इनएक्टिव कंडीशन में होते हैं. जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं तब ये जो हार्मोन बनाते हैं वो इनएक्टिव कंडीशन में होते हैं. लेकिन जैसे ही हमारा बर्थ हुआ इसके हार्मोन जो होते हैं वो एक्टिव कंडीशन में आ जाते हैं. ठीक है, अब थाइमस ग्लैंड की खास बात ये है कि सभी ग्लैंड्स क्या होती है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे और ज़्यादा डेवलप होती है. लेकिन थाइमस ग्लैंड की खास बात ये होती है बेटा, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है थाइमस ग्लैंड का रीजनरेशन होने लगता है, रिग्रेशन यानी कि ये टूटने लगती है, कम होने लगती है और अपना फंक्शन कम करने लगती है. तो आप देखोगे जो उनकी एज बहुत ज़्यादा होती है उनमें थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट ही नहीं होती है. ठीक है, एडल्टिंग में स्टेज में भी ये प्रेजेंट नहीं होती है, ये सिर्फ हमारे बॉडी में एम्ब्रियोनिक स्टेज में फंक्शन करना स्टार्ट कर देती है. थाइमस प्रोड्यूस द हार्मोन. अच्छा, कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती है, थाइमोसिन हार्मोन. ठीक है, थाइमोसिन हार्मोन प्रोड्यूस करती है दैट इम्पार्ट्स रेजिस्टेंस ऑफ डिजीज इन द चिल्ड्रन. जो चिल्ड्रन होते हैं ये वहाँ पर डिजीज रेजिस्टेंस का काम करता है यानी कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है. इस वजह से ज़्यादा एज में हमारे अंदर ही नहीं होता, खासकर जो जो बहुत ज़्यादा एजिड लोग होते हैं यानी कि आप बोल सकते हो कि 60-70 एज के, उनमें तो थाइमस ग्लैंड मिलती ही नहीं है बेटा, ख़त्म ही हो जाती है. इस वजह से उस एज के लोगों में तो इम्यून सिस्टम बहुत ही कम होता है, बहुत वीक होता है. However, it is continuous to be the production center of the lymphocyte. ठीक है, और thymosin hormone एक जगह और भी प्रोड्यूस होता है, वो होता है lymphocytes में. lymphocytes में भी इसका continuously production होता है. फिर आती है एक gland आपके testes. ठीक है, testes जो होता है वैसे तो आपके male reproductive system का part है, लेकिन ये आपके जो है gland की तरह work करता है. टेस्टिस आर टू ओवल ऑर्गन इन द स्क्रोटम. स्क्रोटम मैंने आपको बताया था जब ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था कि एक थैली जैसी स्ट्रक्चर होती है, वहाँ पर हमारे दो ओवल शेप टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं. द हार्मोन्स रिलीज बाय द टेस्टिस. टेस्टिस कौन सा हार्मोन सिक्रेट करते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन. और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स क्या कंट्रोल करता है, क्या डेवलप करता है, हमारी बॉडी में होने वाले सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करता है. जो मेल की बॉडी में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं जैसे उनके मोस्टेचेस वगैरह आना, फेशियल हेयर्स आना, ठीक है, आवाज़ का थोड़ा भारी हो जाना, जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं वो कौन कंट्रोल करता है, मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन. ठीक है, तो ये टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन का सेक्रेशन करता है. फिर आपके लास्ट आती है ओवरीज. ओवरीज जो होता है पेल्विक रीजन ऑफ द फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी के पेल्विक रीजन में होती है, मैं आपको बता चुकी हूँ. द हार्मोन सिक्रेटेड बाय दिस ओवरीज, कौन से हार्मोन सिक्रेट करती है, ईस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन. ये दो हार्मोन का सिक्रीशन करती है. दिस हार्मोन्स कंट्रोल द सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर इन फीमेल्स. अब ये हार्मोन क्या करते हैं, ये भी सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स को ही कंट्रोल करते हैं, लाइक आवाज़ का पतला होना. और बहुत सारे फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स होते हैं, ठीक है, जिससे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाना. ठीक है, तो ये सब कौन फीमेल में कंट्रोल करता है, ओवरीज. ठीक है, सच इज डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, जैसे ब्रेस्ट डेवलपमेंट इसका बेस्ट एग्जांपल है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का. दे आल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल. इसके अलावा हम फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल का रेगुलेशन भी ईस्ट्रोजन हार्मोन करता है. एंड द प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी में भी हेल्प करते हैं कौन से, ईस्ट्रोजन हार्मोन. तो ये सारे करेक्टर्स किसकी वजह से आते हैं, ईस्ट्रोजन हार्मोन्स की वजह, और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से. ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, कल हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, आप इसको कंप्लीट कर लेना. सो थैंक यू एवरीवन, स्टे होम स्टे सेफ एंड बाय बाय.